नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटानागपुर लाइव। दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीधी में जो घटना घटी है उसके बाद आदिवासी समुदाय काफी आक्रोशित है। जगह जगह मध्य प्रदेश सरकार की शिवराज सिंह चौहान की पुतला दहन की जा रही है। आज राजनगर के चौक में भी पुतला दहन किया गया। हम वहां पहुंचे, आदिवासी समुदाय से बातचीत करने की कोशिश की और उनकी मांगों को जानने की कोशिश की। दोस्तों, उनसे संवाद करने से पहले मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि संदर्भ दो बनती है। बाबा साहेब अम्बेडकर भी मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और वो भी एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। 1891 में उनकी जन्म होती है और एक दलित फैमिली में होने के कारण उन्हें काफी परेशानी झेलना पड़ता है। बचपन में उन्हें पीटा जाता है, स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता है, स्कूल की पानी पीने नहीं दी जाती है, वो स्कूल के जो कॉरिडोर है वहां बैठ के पढ़ाई करते हैं और आज देश को एक संविधान देते हैं। और संविधान में सबसे पहले वो 14 से लेकर 18 सूची में, यानी कि आर्टिकल में, वो इक्वालिटी की बात करते हैं और देश के नागरिक को समान अधिकार की बात करते हैं। लेकिन आज 70 साल के बाद भी इक्वालिटी क्यों नहीं देखने को मिल रही है? आज वही मध्य प्रदेश से एक ऐसा घटना सामने आती है जो देश को हिलाकर रख देती है, आदिवासी समुदाय को काफी ठेस पहुंचाती है। आज जो राजनगर में मौजूद हूँ मैं, और इस वक्त जो है यहाँ पे जो झामुओं के कार्यकर्ता हैं वो लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और इस चीज़ को लेके, और यहाँ पे पुतला दहन भी किया गया शिवराज सिंह चौहान जी का। उनसे मांग किया गया कि जो प्रवेश शुक्ला जी जिन्होंने ये किया है उनको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए और कार्रवाई किया जाए, ताकि जो आगे इस तरह की घटना आदिवासियों के साथ ना हो। तो यहाँ पे जो मौजूद कार्यकर्तागण हैं जो झामुओं के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार इमेज मैनेजमेंट की कोशिश कर रही है, अपना जो छवि है उसे सुधारने की कोशिश कर रही है। पैर भी धोया गया, उसके बाद देखा जाता है कि वो कल मैं उनका बयान आता है कि मैं उस वीडियो में था ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एक तो इसमें से दो ही चीज़ें निकल के आती है, एक तो उसे डराया जा रहा है या फिर कोई एक अलग व्यक्ति को ला के उसे प्यादा बनाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि हमने प्रायश्चित कर लिया। तो इसको लेके आप कहेंगे? देखिए, हमने कल भी इंटरव्यू दिया था, देश संविधान से चलेगा और ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लेकिन यहाँ तनासही सरकार जो सेंट्रल में है, जो हमेशा जो है ना वो कस्टिजम राजनीति करता है। और जैसे कि आप देखें, एक प्रांत में, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का घिनौना हरकत किया है बीजेपी सरकार ने, प्रवेश शुक्ला जो शिवराज सिंह चौहान का आदमी है, लेकिन ऐसे घिनौना हरकत जो है ना जमे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जो है ना मुंह तोड़ जवाब हम लोग एमपी इलेक्शन में देंगे। हमेशा से बीजेपी सरकार जो है ना जो ऐसे नीच जाति लोग के ऊपर जो है ना अत्याचार करता, जबकि हमारे ही आदमी जो बहुत जीनियस आदमी था, जो डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान लिखे उसमें सब जाति को एक समानांतर अधिकार मिले। हमारा सेकुलरिज्म देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें जो है ना सबको समानता का अधिकार है, उस संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से संविधान को धज्जिया उड़ा दे रहा है बीजेपी सरकार, हम लोग इसको जमे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दादा, आपसे पूछे कि इस चीज़ को लेके तो क्या आप लोग क्या मांग करते हैं कि सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कह रही कि मैंने प्रायश्चित किया, हमने शुक्ला का घर तोड़ दिया। ये तो बीजेपी सरकार का दिखावा है। वो एक तरफ बोलता आदिवासी का हितैषी है और दूसरा तरफ आदिवासी का मुँह में पेशाब कर रहा है। ये कौन सा राजनीति है सेंट्रल गवर्नमेंट का? ये तो साफ जाहिर है कि यहाँ का दलित शोषित लोगों का विरोधी है। हम लोग यहाँ का गाँव में उसका प्रचार करेंगे। जो इसका नीति और जो ये नियम है जो लागू किया, अभी आप तो सामने है, सबका सामने है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मध्य प्रदेश सरकार जो किया इस पर हम लोग एक ही काम करेंगे, गांव-गांव में हम लोग बताने जाएंगे कि भाई देखिए ये बीजेपी सरकार का क्या ये है। वो केंद्र सरकार आज चाहती है कि नहीं, हम लोग यहाँ आदिवासी का भलाई चाहते हैं, लेकिन क्या आदिवासी का तो ये शोषण कर रहा, इसका विरोध हम लोग करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। दादा, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं मध्य प्रदेश सरकार से, किस तरह वो इस जो घटना घटी है इसका पश्चाताप करें? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार क्या हम केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं? वो एक विधायक के प्रतिनिधि हैं, आओ जाके एक आदिवासी दलित परिवार के ऊपर इतना दारू पी के कि उसको होश नहीं है, आदमी के ऊपर हम पेशाब कर रहे हैं कि ये के ऊपर? और शिवराज जी चौहान से हम बोलना चाहते हैं, आपके मुंह में हम पेशाब कर देंगे, आप हम पांव धुआ देंगे तो हमारा प्रायश्चित हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको
फांसी का सजा होना चाहिए। और झारखंड में जितना आदिवासी नेता बीजेपी में है, हम उन लोग से निवेदन कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ के आदिवासी का हित का बात करें, अपना बात नहीं करें। बाबूलाल जी अपने को बहुत बड़ा नेता बोलते हैं, वो अध्यक्ष भी बने हुए हैं, उनका मुंह से अभी एक भी सवाल नहीं निकला कि आदिवासी के ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ, हादसा ही बोला जाएगा। इसलिए मैं सभी झारखंड के आदिवासी नेता बीजेपी में जो है उनको हम निवेदन कर रहे हैं कि इसका लोग भी विरोध करें। और इतना सा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम यहाँ का आदिवासी मूलवासी को आह्वान कर रहे हैं कि अगला जो 24 में इलेक्शन होने जा रहा है, एक भी वोट उनको न दे, यही मेरा कामना है। जय झारखंड, जय भारत। धन्यवाद दादा। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किस जिस तरह वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार कह रही है कि हम मैंने आदिवासियों का इज्जत बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, मैंने राष्ट्रपति का जो द्रौपदी मुर्मू जी को वहाँ पे राष्ट्रपति में उनका पद में दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ जिक्र हो रही कि उन्हें एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक जो उनका सदन भवन, नया सदन भवन का जब इनॉग्रेशन होता है तो उन्हें बुलाया नहीं जाता, इसको लेकर काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है आदिवासी समुदाय द्वारा। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना ये नौटंकी है, ये दिखावा है, ये किसी न किसी रूप में आदिवासी समुदाय को गुमराह करना। और जिस तरीके से जगजहिर है, जब संसद भवन उद्घाटन हुआ तो उसमें अब हिंदू परंपरागत से पूजा करते हैं, जबकि देश धर्मनिरपेक्ष देश है। और इसके बाद आप जो है ना आदिवासी महिला को बनाए हैं राष्ट्रपति, लेकिन उसको इग्नोर करके आप जो है ना उसको उद्घाटन करते, ये तो सरासर रबर स्टम्पिंग बोलेंगे। और जिस तरीके से जो हमारे आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करना, ये आदिवासी समुदाय को पेशाब करना, मतलब संविधान का किताब को पेशाब करना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह का घिनौना हरकत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी यहाँ पर आदिवासी के नाम पर हो रहा है, बीजेपी सरकार राजनीति कर रहा है, वो एक दिखावा है और कुछ नहीं। आने वाला समय में हम लोग इसको तगड़ा दिखा देंगे कि आदिवासी समुदाय के यहाँ तुम पेशाब करना, तुम अगले नेक्स्ट इलेक्शन में हम लोग तुमको माइनस करके दिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर तरफ ये जो है आपका प्रदर्शन जारी है और पुतला दहन जारी है। आप कह सकते हैं रांची में हुआ, उसके बाद जगह जगह में इसका विरोध किया जा रहा है और आदिवासी समुदाय जो है बीजेपी सरकार से काफ़ी नाराज है। और जिस तरह की घटनाएं घट रही है, ये चाहते हैं कि आदिवासी को सम्मान दिया जाए और इस तरह की घटना आगे ना हो। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।